कि आप इधर दिखाइए, हमारे पास ये तैयार है दवा। ये मैंने यहाँ पे तैयार किया है, ये है फिटकरी। हम आधा किलो फिटकरी लेते हैं, 250 ग्राम एक टंकी में डालते हैं, 16 लीटर की टंकी में हम 250 ग्राम डालते हैं फिटकरी। और शैम्पू का जो है इस्तेमाल करके बताऊँ, एक एकड़ में कितना खर्चा आ रहा है? एक एकड़ में मात्र जो है 1.5 किलो लग रहा है, एक एकड़ में 45 रुपये लग रहा है। 45 रुपये लग रहा है। एक किसान भाई रामकला से, तो हमारे प्रताप का ब्लॉग चैनल में सबका स्वागत है। आज किसान भाई हम बात करने वाला हूँ भिंडी में लगने वाले कीट, जैसे रस चूसक हो गए और हमारे जो फूल में कीट लगते हैं, फल में कीट लगते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको देसी दवा बताने वाला हूँ जो काफ़ी असरदार और ज़ोरदार दवा है। तो जो हमारे यहाँ पर किसान हैं उनसे हम सारी जानकारी लेते हैं और सब कुछ आपको तरीका दिखाएंगे और उसको बताएंगे किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में डालना है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, ऐसा वीडियो ना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम जय प्रकाश सिंह है, मेरा चैनल भी है देसी खेती जुगाड़, और मैं एग्रीकल्चर से बहुत अच्छा मतलब वो रखता हूँ। सविका है कि मैं, मेरा इंटरेस्ट है कि हर चीज़ की खेती जो है वो एक देसी तरीके से की जाए और जिसमें कम से कम पैसा लगे। तो इसमें कौन कौन सी दवा का उपयोग किया जाएगा? देखिए, ये आप देख रहे हैं कि मेरी भिंडी है और ये भिंडी की मैं वेराइटी बता दूं कि ये जो है राधिका गोल्ड है और इसको मैंने लगभग 2 महीने पहले लगाया था। अच्छा, अच्छा। और 2 महीने से लगभग मतलब 30 दिन के बाद हमने इसकी तुड़ाई शुरू कर दी थी और 30 दिन से मैं पर डे इसका 40 किलो से शुरू करके अभी तक मैं 80 केजी पर डे जो है इस पर मैं हार्वेस्टिंग कर रहा हूं और ये टोटल 6 बिस्सा का खेत है। अच्छा, इसमें जो कीट की दवा आप मतलब बताना चाहते हो कौन कौन सी, क्या क्या चीज़ें छिड़काव? देखिए, जैसे कि आप इधर दिखाइए, हमारे पास ये तैयार है दवा। ये मैंने यहाँ पर तैयार किया है, यह है फिटकरी। हम आधा किलो फिटकरी लेते हैं, 250 ग्राम एक टंकी में डालते हैं, 16 लीटर की टंकी में हम 250 ग्राम डालते हैं। उसके साथ स्टिकर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम शैम्पू मिलाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, हमारा जो ये आप देख रहे हैं कि ये फूल है, ये फल यहाँ तक ही हमारे को ज़्यादा ज़रूरत होती है। जोरई का जो होता है असर हमारा मेन फल पे होता है, तो और यहाँ पे और कोई दूसरा कीट जो है नहीं आता। लेकिन हम शैम्पू इसलिए मिला के डालते हैं कि जब हमारी पूरी फसल पे हम डालते हैं तो अगर यहाँ तक भी आ जाता है तो यहाँ जो कीट इसमें है, चाहे वो वाइट फ्लाई हो, चाहे मतलब क्या मेलीबग हो, मतलब इसके जितने भी कीड़े हैं वो कम्प्लीट आप मान के चलिए कि इस पर बैठेंगे नहीं। कोई अगर बैठता भी है और खाता भी है तो इसका देखिए 72 घंटे तक इस फिटकरी को, इसमें मैंने फिटकरी डाली है, एलम जो बोलते हैं हम, तो एल्युमिनियम सल्फेट एक दवा भी मान के चल सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं, और ये 72 घंटे तक उसका मुंह जो है बंद कर देती है। और कीड़े का लाइफ साइकिल टोटल 24 से 72 घंटे का होता है। अगर आप इसको डालते हैं तो कीड़ा जो है जैसे संपर्क में आएगा वो अपने आप 24 से 72 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। इसकी मात्रा कितनी रखनी है फिटकरी की? फिटकरी की मात्रा 250 ग्राम पर टंकी डालना है आपको, और अगर आपका खेत जैसे भी अगर आप डालते हैं तो पूरा भीग जाना चाहिए। भीगने का मतलब यह है कि जो भी हमारे कीड़े पतंगे हैं, जो भी जितने भी टाइप के हैं, जब भी वो संपर्क में आएंगे, जब भी वो उसको पत्ते को बैठेंगे, रस चूसेंगे या पत्ता खाएंगे, तो वो उनका मौत जो है मान के चलिए कि 24 से 72 घंटे के अंदर तय हो सकते हैं। हम आपको एकड़ में बताएंगे, एकड़ बता, एकड़ में 6 टंकी लगती है, एक एकड़ में आप मान के चलिए 1.5 किलो जो है लगेगा। 30 रुपये केजी ये फिटकरी मिलती है, 45 रुपये में अगर एक एकड़ की दवा तैयार होती है। तो कौन सी दवा है मेरे को कोई भी किसान भाई कमेंट करें, मैं भी कमेंट पढ़ूंगा इसमें जा करके कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं, क्या जो है उनको रिस्पांस मिलता है, क्या कितनी कीमत में मिलती है दवा। सिर्फ फिटकरी डालना है और उसके बाद उसमें क्या डालना बस है? केवल स्टिकर, कोई भी स्टिकर नहीं है तो शैम्पू मिला लीजिए। शैम्पू की मात्रा कितना रखना होगा? एक पाउच आप एक टंकी में डाल सकते हैं। तो किसान भाई आप देख पाएंगे यहाँ पर एक पाउच जो है शैम्पू डाला गया है जी। तो फिर यही करके उसके बाद छिड़काव कर देना। हाँ, इसको छिड़काव कर देना। छिड़काव जो है सुबह करना चाहिए शाम को? शाम को करना चाहिए, शाम के समय। देखिए, सुबह अगर आप कोई भी छिड़काव करते हैं, कोई भी कीट पतंगा जो है, अब जैसे जैसे छांव होता जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, कभी जैसे यहाँ पे है तो इसको ऐसे हिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यही चीज आप धूप में जा करके ऐसे पत्ते को हिलाएंगे तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि धूप में कीट पतंग जो है अपने छांव में, पेड़ों में कहीं भी छुप जाते हैं। तो इसको जो है डालने के कितने देर बाद ये असर करेगा? तुरंत असर करेगा, ये तुरंत असर,
कोई असर, जब जब भी टच में आएगा कीड़ा तो तुरंत असर करेगा और कीड़े जो है मर जाएंगे वो। इसमें जो है जितने भी एक्स वाई जेड जो भी कीड़े हैं सभी नष्ट हो जाएंगे? जी बिल्कुल 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 नष्ट हो जाएंगे। तो किसान भाइयों आप देख पाएंगे यहाँ पर फिटकरी और शैम्पू का जो है इस्तेमाल करके घोल बना करके इसका छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ पर रखा गया है और उसमें डिब्बे में जो है भर लिया गया है और अभी ये छिड़काव के लिए चल रहे हैं। इसमें आपको हम दिखाते हैं कि कितनी गहरी जो है इसका छिड़काव किया जाता है। तो देख सकते हैं किसान भाइयों इसी तरह जो है छिड़काव करना है, गहरी पत्तियों में जो है दिखना चाहिए इसी तरह। तो सर जी इसका जो है हमें कितने दिन पर छिड़काव करना चाहिए? देखिए अगर भाई साहब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा 45 रुपए का अगर एक जो हिस्से में अगर हमारी दवा लग रही है तो हमको हर हफ्ते कर देना चाहिए। सप्ताह में एक सप्ताह में एक बार कर देना। एक एकड़ में मात्र जो है 1.5 किलो लग रहा है, एक एकड़ में 45 रुपए लग रहा है। 45 रुपए लग रहा है एक एकड़ में दवा। किसान तो इससे जो है दवा हम खुद छिड़कते हैं तो हमारा 45 रुपये मात्र खर्चा आ रहा है। तो अगर आप 45 रुपये हर हफ्ते का मान के चलिए तो चार हफ्ते में मतलब जो है टोटल 180 रुपये लग रहा है। कौन सी दवा है जो चार बार अगर हम छिड़काव करें एक एकड़ में 180 रुपये में हो जाएगी? और कोई एक, दवा बताइए। एक बात ये बताइए जैसे कि हमें कितने दिन से शुरुआत करना चाहिए इस दवा को छिड़काव करने के लिए? देखिए इसमें जब फूल आने शुरू हो जाते हैं तब ये दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद जब क्योंकि जुराई जो है आपको मैं स्थिति दिखाता हूँ, यहाँ नज़दीक आइए, जब ये कंडीशन देख रहे हैं ये कंडीशन आप, तो इसमें जुराई जो है लग जाती है और इसमें लग चुकी है, इसमें बहुत छोटा बच्चा जो है लग चुका है और इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। देखिए ये ख़त्म कर दिया है इसको, ये भिंडी ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए जो है इसका छिड़काव जरूरी है। यानी फूल आना स्टार्ट हो गया तभी समय इसको? हाँ बिल्कुल तभी डालना है, तभी डालना है। ये हम कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? जब तक इसकी तुड़ाई चल रही है। जब तक तुड़ाई चलेगी तब तक आपको डालना है। और तब तक कोई भी चीज़ हो अगर आपको प्रिवेंटिव, सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी किसान भाई को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी चीज़ डालना है आप प्रिवेंटिव डालना है। आपको नहीं पता है आप फोन करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी दवा कब पड़ने वाली है। भी अपने खेतों में जो भिंडी खेती किए हैं वहाँ पर दवा का छिड़काव करके जो भी इसमें कीट पतंगे वगैरह लगती हैं सबको जो है नष्ट कर सकते हैं। ये कोको कोला की जो बोतल रखी हुई है ये किस लिए रखा गया है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, आप ले लीजिए। हाँ तो अब अगर हम खेत में आए हैं राम कैलाश जी तो यहाँ तो कोको कोला पीने वाले नहीं है, यहाँ हम खेत में डालते हैं कोको कोला। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आप ये मेरी 2 लीटर की बोतल थी जो 2.5 लीटर यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। इसमें से आप देख सकते हैं कि लगभग 1 लीटर हमने उपयोग कर लिया है। 1 लीटर का मतलब है 4 टंकी में हम इसको डालना है, 250 ml से ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको डालने के बाद में जो पौधे की चमक और जो भिंडी की क्वालिटी है दोनों में फर्क आ जाता है। स्वाद में भी आप अगर, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि जो किसान भाई हैं आधे में एक बार डाल के देखें और आधे में इसको डाल के, एक बार ना डालें आधे में इसको डाल के देखें और दोनों की सब्जी अलग अलग बना के खा लें। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। अच्छा। क्योंकि मैं कोई चीज़ आपको तभी बताऊँगा जो सच्चाई से परे ना हो। तो इसकी मात्रा क्या रहेगा पर टंकी? 250 ml पर लीटर पर टंकी जी। तो जितना भी टंकी लगता हो इसी हिसाब से कर ले। 1 एकड़ में कितना टंकी लगेगा? 1 एकड़ में मान के चलिए कि 6 टंकी लगती है। 6 टंकी अगर पौधा छोटा बड़ा होता है तो उस हिसाब से कम ज़्यादा भी है, क्योंकि 4 टंकी से शुरू होता है 1 एकड़ में। जी जी 4 टंकी में ये शुरू होता है। जब पौधा छोटा होता है तो हमारा जो है 4 ही टंकी लगता है, लेकिन अगर पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसमें जो है हमारा ज़्यादा लगता है। तो इसमें जो है हमारे पौधे में किस किस चीज़ में फ़ायदा करेगा कोको कोला? हाँ देखिए बेसिकली मैंने इसको भिंडी में अभी उपयोग किया है और कहीं मैंने नहीं इसका उपयोग किया, क्योंकि भिंडी में इसका जो मैंने फायदा देखा प्रैक्टिकल देखा तो मुझे बहुत अच्छा दिखा। अच्छा। आप बगल वाला खेत देख लीजिए, वो भी खेत देख लीजिए, वहाँ नज़दीक से जा करके आप शूट करिए, उस पर 3 डोज पड़ा हुआ है कोको कोला का और इसमें सिंगल डोज पड़ा हुआ है। दोनों का आप फर्क दिखाइए किसान को, दिखाइए कि जिसमें मैंने डाला है और फल है दोनों चीज, इसमें दोनों चीज का फर्क है। पौधे का भी चमक आता है, पौधे में ग्रोथ अच्छी आती है और फल में भी चमक आती है।
तो किसान भाई, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोग भी इसी तरह से देसी चीज़ों का उपयोग करके कम खर्चे में अपने खेत में जो है इसका छिड़काव करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक किसान भाई वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।